हेलो एवरीवन, सो हैप्पी कि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया और आप ये वीडियो देखने वाले हैं। बट बिफोर दैट, 8449905766 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप अपनी सारी करियर क्वेरीज सेंड कर सकते हो। एंड टू ऑल द स्कूल्स एंड कॉलेजेस जो भी हमारे सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स कंडक्ट करना चाहते हैं, दे कैन मेल अस ऑन sarthak@planetstudy.in। एंड फॉर नाउ एंजॉय द वीडियो। हेलो एवरीवन, सार्थक दिस साइड, आई वेलकम यू ऑल टू द डिस्क जॉकी वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रीफ अबाउट द करियर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, टाइप्स ऑफ डीजे, सैलरी। सो ए टू जेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। लेट स्टार्ट विद द ब्रीफ अबाउट द करियर। डिस्क जॉकी मतलब डीजे, बड़ा ही कूल सा करियर है। डीजेस डिफरेंट ऑडियंस के लिए म्यूजिक प्ले करते हैं, लाइक वेडिंग ऑडियंस, कॉर्पोरेट ऑडियंस एंड पार्टी ऑडियंस। अब ये जो म्यूजिक प्ले होता है, ये होता है कुछ इक्विपमेंट्स को यूज करके, लाइक टर्नटेबल्स, मिक्सर्स एक्सेट्रा। बिल्कुल बिगिनर्स लेवल पर डीजे कंट्रोलर के थ्रू अपना करियर स्टार्ट करते हैं। कंट्रोलर हेल्प करता है मैनिपुलेट करने में डीजे सॉफ्टवेयर को जो आप अपने लैपटॉप पर रन कर रहे हो। अब ये जो मैनिपुलेशन होता है वो भी डिफरेंट टाइप का होता है, लाइक ऑडियो मिक्सिंग, बीट मैचिंग, जगलिंग एंड कटिंग। कुछ डीजेस अकेले वन मैन आर्मी की तरह वर्क करते हैं, कुछ डीजेस एक टीम बनाकर डिफरेंट म्यूजिक प्रोफेशनल्स के साथ वर्क करते हैं और कुछ डीजेस एक कम्युनिटी में वर्क करते हैं। अपनी ऑडियंस के मूड को समझ के कौन सा ट्रैक प्ले करना है, ये होता है काम डीजे का। डिफरेंट जॉनर्स का इसके लिए उनको आइडिया होना चाहिए। ओल्ड एंड फेमस ट्रैक्स के साथ न्यू सॉन्ग्स का भी आइडिया होना चाहिए। डीजेस डिफरेंट जॉनर्स प्ले करता है, लाइक हैवी मेटल, एडल्ट कंटेम्प्री एंड वेरियस अदर जॉनर्स आप अपनी स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हो। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डीजे की। नंबर वन इज क्लब डीजे। हर क्लब का अपना एक फील, ऑरा और रेपुटेशन होता है। उस ऑरा के अकॉर्डिंग ही वहां पर म्यूजिक ट्रैक्स प्ले होते हैं। मेन पर्पस डीजे को होता है डांसिंग फ्लोर को हमेशा बिजी रखना, मतलब डांसिंग फ्लोर पे हमेशा कोई ग्रूव करता रहे। उनका मेन पर्पस होता है डांसिंग फ्लोर के साथ बार को भी एंगेजमेंट रखना, इसलिए वो डिफरेंट मैनिपुलेशंस करते हैं अपने सॉन्ग्स में। नंबर टू इज टर्नटेबलिस्ट। इनको लाइव परफॉर्मर भी कहा जाता है। ये अपने गुडविल और रेपुटेशन की वजह से डिफरेंट शोज करते हैं ऑल ओवर द कंट्री। अपनी स्किल्स को यूज करके ये फिजिकल मैनिपुलेशन करते हैं रियल टाइम बेसिस पर। क्लब डीजेस और टर्नटेबलिस्ट में मेन डिफरेंस होता है फिजिकल मैनिपुलेशन का। क्लब डीजेस आपको प्री रिकॉर्डेड म्यूजिक सुनाते हैं और टर्नटेबलिस्ट लाइव आपको एक परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं डिफरेंट ट्रांजिशंस के थ्रू। नंबर थ्री इज मोबाइल डीजे। ये वो डीजे है जो आप वेडिंग, कॉर्पोरेट पार्टी, बर्थडे पार्टी एंड न्यू ईयर पार्टीज में देखते हो। इन सब का अपना खुद का एक सेटअप होता है जो वो कैरी करते हैं। अपने इक्विपमेंट्स को मैनेज करना, डिफरेंट इवेंट्स करना, अनाउंसमेंट्स करना, ये सारा का सारा काम होता है मोबाइल डीजेस का। एंड नंबर फोर इज रेडियो डीजे। जितने भी आरजे होते हैं ना डिफरेंट एफएम में, लाइक 98.3 FM, 92.7 FM, सुनो सुनाओ, लाइफ बनाओ, तो यहां पर आरजे आपको जोक सुनाते हैं, वेदर आइडिया देते हैं, ट्रैफिक आइडिया देते हैं। आप जहां पर जा रहे हो वहां का आइडिया दे देंगे कि यहां पर ट्रैफिक है या नहीं है। इस सब के बाद वो आपको डिफरेंट सॉन्ग्स भी प्ले करके सुनाते हैं और डिफरेंट गिव अवेज वो डिफरेंट कॉन्टेस्ट की वजह से प्रोवाइड करते हैं। तो एक पॉडकास्ट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट आपका रेडियो डीजे के थ्रू होता है और यही होती है आपकी फोर्थ नंबर की कैटेगरी। अब कुछ लोग डीजे और प्रोड्यूसर्स में डिफरेंस नहीं कर पाते। डीजे प्री रिकॉर्डेड म्यूजिक में ट्रांजिशंस परफॉर्म करता है, लेकिन जो प्रोड्यूसर होता है वो अपनी ओरिजिनल क्रिएशन में ट्रांजिशंस करता है, वो प्री रिकॉर्डेड म्यूजिक यूज नहीं करता। और आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कुछ फुल फ्लेज डीजेस होते हैं, कुछ फुल फ्लेज प्रोड्यूसर्स होते हैं और कुछ एंटरप्रेन्योर्स भी अपने नाम के आगे डीजे लगाते हैं, क्योंकि उनकी एक टीम है जो डिफरेंट लोकेशंस पे जाके परफॉर्म करती है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एज सच कोई डिग्री या फिर सर्टिफिकेशन आपको एंट्री करने के लिए इस फील्ड में नहीं चाहिए। कोई बैरियर टू एंट्री यहां पर नहीं है। मेन है आपका स्किल्स एंड लव फॉर म्यूजिक। हां, अगर आप किसी डीजे से मिलते हो जो ग्रेजुएट है तो चांसेस हैं उसके पास मास कम्युनिकेशन, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग या फिर मीडिया बिजनेस की डिग्री अवेलेबल होगी। अब कुछ डीजे फ्रेंडली करियर्स की बात करते हैं। नंबर वन इज क्लब प्रमोटर। ये वो लोग हैं जो क्लब के डिफरेंट इवेंट्स को प्रमोट करते हैं। नंबर टू इज म्यूजिक प्रोड्यूसर। ये अपने सेल्फ ओन्ड ट्रैक्स मार्केट में रिलीज करते हैं, उसके थ्रू अपनी रॉयल्टी इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। नंबर थ्री इज डीजे ट्यूटर। ये वो लोग हैं जो डीजे नॉलेज एस्पायरिंग डीजेस को देते हैं। आप लेसन को एक ईजी फॉर्मेट में कम्युनिकेट कर सकते हो डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स को, डिफरेंट स्टूडेंट्स को जो डीजे बनना चाहते हैं। एंड नंबर फोर इज म्यूजिक जर्नलिस्ट। ये वो लोग हैं जिनको डिफरेंट नॉलेज होती है एस्पेक्ट्स की म्यूजिक से रिलेटेड। ये रिटन, ऑडियो एंड वीडियो फॉर्मेट के थ्रू उस नॉलेज को पब्लिश करते हैं। आप डीजे से बात करोगे ना, तो उन्होंने इस करियर को एज अ साइड हसल स्टार्ट किया। फिर जैसे जैसे उनकी इनकम इंक्रीज होने लगी, उन्होंने इस करियर को एज अ मेन स्ट्रीम परस्यू कर लिया। अगर आप स्टार्टिंग में अपने खुद के सॉन्ग्स लिखना स्टार्ट करते हो तो आपका करियर एक नेक्स्ट लेवल शेप ले सकता है, क्योंकि हर कोई आपको रिप्लेस करने की कोशिश करेगा फ्री में।
है ना। तो इसलिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जब तक आपका एक फैन बेस नहीं बन जाता आपके लिए एक सीवियर कंपटीशन स्टार्टिंग में मार्केट में रहेगा। मोस्ट पॉपुलर नाइट्स फॉर डीजेस आर फ्रॉम थर्सडे टू सैटरडे, संडे नहीं होता क्योंकि मंडे मॉर्निंग से फिर जिंदगी की ठोकरें खानी होती हैं। ग्लैमरस फील्ड है, एक दिन तो आपका करियर टॉप पर होता है, नेक्स्ट डे आपका सारा एम्पायर मिट्टी में मिल सकता है। टाइमिंग्स आपके थोड़े से ऑड होते हैं और जैसे ही आप टॉप पर पहुंचते हो ड्रग्स एंड ड्रिंक्स आपके एनवायरमेंट का पार्ट बन जाते हैं, तो आपको उस टॉक्सिक एनवायरमेंट से दूर रहते हुए अपने करियर को शेप करना है। अपना करियर स्टार्ट करने के लिए आप उन लोगों के फ्रेंड्स बनो जो क्लब बुक्स करते हैं, जहां पर भी अपॉर्चुनिटी मिले फ्री में वर्क करो, हाई क्वालिटी MP3 ऑडियोज डाउनलोड करो और डिफरेंट डीजेस को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करो। उनके जो मिक्सेस हैं जो वो पब्लिक को शोकेस करते हैं उनको कॉपी करने की कोशिश करो, उससे क्या होगा आपकी आर्ट और ज्यादा रिफाइन होगी। अब चलते हैं वर्क डिस्क्रिप्शन की तरफ। आखिर डीजेस वर्क क्या करते हैं? डीजे प्रोग्राम डायरेक्टर से असाइनमेंट कलेक्ट करते हैं, थीम सिलेक्शन, इक्विपमेंट हैंडलिंग, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इन इवेंट्स, प्लेइंग म्यूजिक अकॉर्डिंग टू ओकेजन, ये सारा वर्क प्रोफाइल होता है डिफरेंट डीजेस का। अर्निंग्स डीजे की डिपेंड करती है कौन से एरिया में आप वर्क कर रहे हो और उस पर्टिकुलर जॉनर की कितनी डिमांड है। स्टार्टिंग हमेशा फ्री से होती है, देन ₹5,000 पर शो, ₹10,000 पर शो और ये जा सकता है अप टू ₹70,000 पर शो। बहुत ही कम डीजेस ऐसे हैं इंडिया में या फिर वर्ल्ड वाइड जो लैक्स में पेमेंट रिसीव करते हैं। कुछ होटल्स, कैफेज और रेस्टोरेंट रेगुलर बेसिस पर पार्टी कंडक्ट करते रहते हैं तो वो परमानेंट सैलरी पर डीजेस को रखते हैं और वो सैलरी वैरी करती है ₹3 लाख टू ₹8 लाख। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस एंड पॉपुलैरिटी इंक्रीज होती रहती है वैसे वैसे आपका मॉनेटरी गेम भी इंक्रीज होता रहता है। अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की। स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता कि वीडियो देखने के बाद सारी इंफॉर्मेशन हो गई लेकिन अब स्टार्ट कैसे करना है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देता हूं, उससे आप अपना करियर शेप कर सकते हो। स्टेप 1, एक्सप्लोरिंग डीजे सॉफ्टवेयर। टाइप्स ऑफ डीजे क्लियर होने के बाद हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि कौन से टाइप के सॉफ्टवेयर हम यूज कर सकते हैं, तो मेनली 3 प्लेटफॉर्म्स हैं जो मार्केट में चलते हैं, रिकॉर्ड बॉक्स, सराटो डीजे प्रो एंड ट्रैक्टर प्रो। ट्रैक्टर प्रो का 1-time सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ता है। और भी बहुत सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है लाइक वर्चुअल डीजे, ये वर्ल्ड का मोस्ट डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर है, तो आप वो सॉफ्टवेयर यूज करें जो आपके कंट्रोल के साथ कंपेटेबल हो और उस सॉफ्टवेयर को यूज करके आप डिफरेंट मिक्सेस प्रोड्यूस कर सकें। स्टेप 2, लर्निंग बेसिक डीजे स्किल्स। कुछ स्किल्स आपको सीखनी पड़ेंगी लाइक बीट मैचिंग, फ्रेजिंग एंड ईक्यूइंग। इन स्किल्स के साथ आपको डीजे ग्लॉसरी का भी आइडिया होना चाहिए। जैसे आप यूट्यूब पर आए हो ना, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, टाइटल, टैग्स, डिस्क्रिप्शन, ये सारी ग्लॉसरी है यूट्यूब की। अगर आपको यूट्यूब पर वर्क करना है तो ये ग्लॉसरी का आइडिया होना चाहिए। सेम इसी केस में डीजे की भी ग्लॉसरी होती है, उसका आपको आइडिया होना चाहिए। एंटी स्केट, BPM, काउंटरवेट और ये एक लंबी लिस्ट है। ये कंप्लीट लिस्ट मैंने planetstudy.in पर अपलोड कर दी है, आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से उसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। स्टेप 3, सेटअप एंड रिकॉर्डिंग अ मिक्स। सेटअप करने के बाद आपको अपना म्यूजिक रिकॉर्ड करना है। म्यूजिक रिकॉर्ड करते टाइम अपने आपको ऑडियंस समझ लो, वेरी सिंपल, अपने आपको ऑडियंस समझ लो, आपको समझ आ जाएगा कौन से टाइप का म्यूजिक हमको क्रिएट करना है। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स आपको यहीं पर करना है कि कौन सा एक्सपेरिमेंट चलेगा या कौन सा नहीं। उसी टाइम सॉन्ग सुनने की जरूरत नहीं है जैसे ही आपने क्रिएट किया, कुछ टाइम के लिए उसको साइड में रख दो, थोड़े टाइम बाद आके, कुछ वीक्स बाद आके उसको प्ले करो, ट्रू पोटेंशियल उस सॉन्ग का आपको एनालाइज हो जाएगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उसी टाइम पता चल जाएगा कि ये सॉन्ग मार्केट में चलेगा या फिर नहीं। एक चीज आपको क्लियर करनी है, आप आर्टिस्ट बनने जा रहे हो, आर्टिस्ट का नंबर 1 रूल होता है बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। जितना ज्यादा आप अपने आप से ऑनेस्ट होगे उतना अच्छा आपका करियर शेप लेगा। स्टेप 4, बिल्डिंग अ फॉलोइंग। अब सब कुछ सीख लिया, टाइम है अपनी फॉलोइंग बेस इंक्रीज करने का। टिकटॉक पर आप 15 seconds के अच्छे अच्छे ट्यून्स अपलोड करो जो आपने खुद क्रिएट किए हो, फिर टिकटॉकर्स को मैसेज करो इंस्टाग्राम पे या फिर कैसे भी आप उनको मैसेज करो ईमेल आईडी के थ्रू और उनको कहो कि आपका ये जो म्यूजिक है उसको वो अपने साउंड्स में यूज करें, अपनी वीडियोस में यूज करें, उससे आपको ऑर्गेनिकली प्रमोशन होगा और आपकी साउंड्स वायरल भी हो सकती है अगर उनमें दम है तो। ऐसे करके अपने आप को प्रमोट करो। यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर आप ट्रेलर अपलोड कर सकते हो, IGTV चैनल पर ट्रेलर अपलोड कर सकते हो और फुल म्यूजिक का एक्सेस आप अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर सकते हो। पॉइंट है लोग आपके बारे में जाने, जितना ज्यादा लोग आपके बारे में जानेंगे उतना ज्यादा आपको शोज मिलेंगे और स्पॉन्सरशिप्स भी रेगुलरली मिलेंगे। फाइनल स्टेप, दैट इज स्टेप नंबर 5, इज वर्क वर्क वर्क। अब तो स्किल्स भी आ गए, फॉलोइंग भी बन गई, अब सिर्फ और सिर्फ काम करना है। कोई आलस नहीं, कोई प्रोकेस्टिनेशन नहीं, हफ्ते में 7 दिन काम करना है, 15-15, 16-16 घंटे काम करो। आपके जब शोज होते हैं तो शोज करो, उनमें एक्सप्रेशंस चेक करो लोगों के कि उनके क्या एक्सप्रेशंस है कौन से सॉन्ग्स पर, उन एक्सप्रेशंस को यूज करके अपनी नेक्स्ट थीम्स को डिजाइन करो, अपने लिंक्स बनाओ, अपनी टीम डेवलप करो और कोशिश करो एक बिजनेस
बिजनेस एम्पायर क्रिएट करने की। टॉप 20 richest DJs की लिस्ट हमने आपके लिए अटैच की है। मेन आइडिया आप सोशल मीडिया पे जाते हो ना तो कुछ भी फॉलो करते हो, जरूरत नहीं है। अपने प्रोफेशन से रिलेटेड लोगों को फॉलो करो, आपको इनसाइट्स मिलेंगे डीजे करियर से रिलेटेड, और ग्लॉसरी आपको मिल जाएगी। इस लिंक पर क्लिक करके, ये हमारी वेबसाइट का लिंक है, आप यहाँ पर जाएं और ग्लॉसरी डाउनलोड करें। हमसे मिलते हैं ना वेबसाइट पर। बाय बाय।